नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ हैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय नालंदा भाग के महासचिव हैं पंकज जी। इनसे हम जानेंगे कि अभी चर्चा में चल रहा है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के द्वारा एसयू कॉलेज में अब पीजी की पढ़ाई की शुरुआत हो रही है, क्या कहेंगे? ये एसयू कॉलेज पीजी की पढ़ाई शुरू होने की कारण बस ये है कि सारे स्टूडेंट मिल के और जो छात्र संघ का लीडर हैं वो दोनों मिलजुल के बहुत दिनों से लड़ाई चल रही थी पीजी की मांग के लिए। आज से नहीं, लमसम 5-6 बरस से चल रही थी और बहुत कठिनाई हुई है पीजी की पढ़ाई लाने में। और सारे स्टूडेंट और लीडर जो भी हैं वो मिलजुल के लाए हैं और ये बहुत खुशखबरी की बात है कि आज 5-6 साल के बाद जो पीजी की पढ़ाई एसी कॉलेज में आई है उस पर प्रस्ताव लग गया है ना, प्रस्ताव लग गई है और बहुत खुश है, जनता भी खुश है, स्टूडेंट भी खुश है। क्या लगता है कि इस सत्र में हो पाएगा या अगला सत्र में हो पाएगा? ये उम्मीद है कि इसी सत्र में होगा और बहुत जल्द ही होगी, क्योंकि स्टूडेंट को बहुत दिक्कत हो रही है पीजी की पढ़ाई के लिए। बहुत दूर जाना पड़ता है, जैसे बिहार शरीफ का पटना है, दिल्ली है, ये सब जगह जगह जाना पड़ता है। इसके लिए हम आग्रह करते हैं यूनिवर्सिटी महोदय से कि बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए इस पर और बहुत जल्द से जल्द पढ़ाई स्टार्ट की जाए एसी कॉलेज में। क्या लगता है हिलसा में अगर पीजी नहीं थी तो कहाँ कहाँ लोग जाते थे? इसके लिए बहुत दूर जाने पड़ता, जैसे कि 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर की रेंज में जाना पड़ता था, जैसे बिहार शरीफ का पटना है, आपका दिल्ली है, ये सब एरिया में जाना पड़ता था। इससे बढ़िया वही है कि आज एसी कॉलेज में आ गई है, मतलब आने के लिए मतलब प्रस्ताव हो गया है। उम्मीद लगता है कि अब जल्द ही शुरुआत हो जाएगी, है ना? हाँ, प्रस्ताव जल्द और बहुत जल्द शुरू होगी। ये चलते कि स्टूडेंट को बहुत आशा नहीं, बहुत इच्छुक है पढ़ने के लिए भी और बहुत आशा है कि हमारे एसी कॉलेज में पीजी की पढ़ाई शुरू हो और स्टूडेंट से भी। एक चीज़ और जानना चाह रहे थे कि बीकॉम की पढ़ाई के लिए भी काफ़ी आंदोलन रहा है, अब उसकी भी शुरुआत की गई है, जो कि बताया गया है कि 2022 और 25 से स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए 60 सीट भी एसी यू कॉलेज को रखा गया, क्या कहेंगे? अब बीकॉम के लिए भी हमारी बहुत दिन से मांग की थी यूनिवर्सिटी महोदय से और इसके लिए भी बहुत जल्द से जल्द कर यूनिवर्सिटी महोदय बोले हैं कि बीकॉम के लिए एसी कॉलेज में पढ़ाई के लिए स्टार्ट की जाएगी। और देखिए कब से शस्त्र चालू किया जा रहा है ये अभी क्लियर नहीं हो पाई। फिलहाल हिलसा के छात्रों में कितना खुशी का माहौल है? हिलसा के छात्र की खुशी के माहौल ये है कि बहुत ज़्यादा खुशी के माहौल है कि स्टूडेंट को जो बाहर जाना पड़ता था वो अब हिलसा में ही रह कर पढ़ेंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई होगा। खासकर जब छात्राएँ को जाना पड़ता है, कई तरह के छात्रों के बीच में समस्या आती है, लड़कियों के बीच में आती है, क्या कहेंगे? और ख़ास करके तो लड़की की और समस्या होती है कि घर से बाहर जा कर पढ़ना पड़ता है और थोड़ा सा दिक्कत है कि गार्जियन के साथ न रहने के कारण बहुत लड़कियों की दिक्कत होती है। इस वजह से लड़की के तो और अच्छी हो गई है कि अपना ही एरिया में पीजी की पढ़ाई शुरू हो गई है, तो उसको निफिक्र होकर और बढ़िया से पढ़ाई करना चाहिए कि दुनिया देखे कि एसी कॉलेज में भी आज पीजी की पढ़ाई के लिए ये लड़कियाँ ही सबसे ज़्यादा आगे है। देखने को मिल रहा था पंकज जी कि जब स्नातक की पढ़ाई होती है एसी कॉलेज में तो अनुमंडल भर के लोग आते हैं, इस्लामपुर, कंगरसराय, तलहाड़ा, इस सब का, तो पीजी में भी लोग आएंगे, क्या लगता है? हाँ, इसके लिए तो पीजी के लिए लोकल जैसे कंगरसराय, हिलसा, इस्लामपुर, बगल बगल में जो एरिया है उनको सबसे नज़दीक हिलसा पड़ता है, इसी वजह से वो हिलसा ही चूज करेंगे कि हमको हिलसा में एडमिशन हो एसी कॉलेज में, कि हमको आने जाने का साधन बढ़िया है, प्लस रहने सहने का सब कुछ ठीक है, घर द्वार भी ठीक है।